देखना बच्चों, जो मैंने आपको ये बताया था अमेरिकन सिस्टम के अकॉर्डिंग अकाउंट का मीनिंग, फिर मैंने आपको बताया था हाउ टू मेंटेन द अकाउंट एंड अकाउंट इज मेंटेन विद डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम इज व्हाट? एवरी ट्रांजेक्शन हैज टू इफेक्ट, ठीक है, हर एक ट्रांजेक्शन के दो इफेक्ट होते हैं। तो अगर जब मैं अकाउंट बना रही हूं, ठीक है, एवरी अकाउंट हैज अ टू साइड, हर एक अकाउंट के दो साइड होते हैं, या तो मुझे डेबिट में लिखना पड़ेगा ट्रांजेक्शन को या क्रेडिट में, डेबिट में लिखें या क्रेडिट में लिखें, इसके लिए आपको मैंने रूल बताया था अमेरिकन सिस्टम, वो आपने लास्ट लेक्चर में अच्छे से पढ़ना है, तभी आप ये अकाउंट मेंटेन करना सीख सकते हो। तो देखना आपके पास पिछले क्वेश्चन में तो उसने पूछा था अकाउंट का नेचर बताओ और इंक्रीज डिक्रीज बताओ, आप कह रहे हैं ओपन टी शेप अकाउंट ऑफ फर्नीचर, फर्नीचर का आपको अकाउंट बनाना है, फर्नीचर अकाउंट बनाना बताना है, एंड राइट द फॉलोइंग ऑन द प्रॉपर साइड। आपको मैंने बताया था कौन सा अकाउंट बनाने को कह रहा है, फर्नीचर अकाउंट। तो आप एक फर्नीचर अकाउंट बनाओगे, फर्नीचर अकाउंट, एंड एवरी अकाउंट हैज अ टू साइड, सेंटर में एक लाइन खींचोगे, पूरे अकाउंट को पूरे पेज पे फॉर्मेट खींचना है, पूरे पेज के सेंटर में एक लाइन खींचनी है, और सेंटर की लाइन को थोड़ा सा बोल्ड करना है ताकि पता लगे दिस इज द डेबिट साइड एंड दिस इज द क्रेडिट साइड, ठीक है, दिस इज द डेबिट साइड एंड दिस इज द क्रेडिट साइड। डेबिट को मैंने शॉर्ट फॉर्म में कहा था डीआर एंड दिस इज द क्रेडिट साइड, ठीक है, और उसके बाद दोनों साइड में एक अमाउंट का कॉलम खींच लेना है बच्चों, इस तरह से अमाउंट का कॉलम खींच लेना है, ठीक है। उसके बाद इस कॉलम में तो आपको लिखना है पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स कहते हैं डिटेल को, कि आपने यहां पे तो डिटेल लिखनी है, डेबिट साइड की अमाउंट यहां लिखनी है, अमाउंट को शॉर्ट फॉर्म में एएमटी, पर्टिकुलर को भी आप शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो पीएआर, और ये अमाउंट का कॉलम। अब बताओ ओपन टी शेप अकाउंट ऑफ फर्नीचर, आपको किसका अकाउंट बनाना है, फर्नीचर का अकाउंट बनाना है, तो आप ये एक फर्नीचर अकाउंट बना रहे हो, फर्नीचर अकाउंट, अकाउंट को शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखोगे। पहले तो आप फर्नीचर अकाउंट का नेचर बताओ क्या होता है, जो फाइव टाइप्स के मैंने अकाउंट्स बताए थे, असेट्स, कैपिटल, लायबिलिटी, एक्सपेंस और इनकम, कि फर्नीचर क्या होती है, लायबिलिटी होती है, एक्सपेंस होता है, इनकम होता है या असेट होता है, असेट। तो फर्नीचर बच्चे एक असेट अकाउंट है, तो इसके ऊपर असेट का रूल एप्लीकेबल होगा। बताओ असेट का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट, ठीक है, इंक्रीज तो डेबिट में आएगा, असेट का डेबिट बैलेंस इंक्रीज पे डेबिट, ठीक है, ये इसका इंक्रीज साइड है, इंक्रीज, और डिक्रीज पे क्रेडिट, डिक्रीज पे क्रेडिट, कि अगर बिजनेस कौन सा अकाउंट बना रही हूं, फर्नीचर, फर्नीचर बिजनेस की होती है असेट, असेट का बैलेंस डेबिट, इंक्रीज पे डेबिट, डिक्रीज पे क्रेडिट। तो अब आपको सिर्फ फर्नीचर के बारे में सोचना है कि बिजनेस में फर्नीचर इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज, क्योंकि फर्नीचर अकाउंट में सिर्फ फर्नीचर की चीजें आएंगी और कुछ नहीं आएगा, ठीक है, कितना फर्नीचर बिजनेस में आ रहा है, कितना फर्नीचर बिजनेस से जा रहा है, ठीक है। तो आपके वो पास कह रहा है राइट द फॉलोइंग ऑन द प्रॉपर साइड, आपको ट्रांजेक्शंस गिवन होगी, उसके लिए पूछ रहा है कि आप उनको प्रॉपर साइड में लिखो, डेबिट में या क्रेडिट में, ट्रांजेक्शन गिवन होगी। तो मैं ट्रांजेक्शन पढ़ रही हूँ बुक से, आपके पास क्वेश्चन में फर्स्ट ट्रांजेक्शन दी हुई है फर्नीचर परचेस्ड रुपीज, फर्नीचर परचेज रुपीज 20,000, आपको पता है ट्रांजेक्शन गिवन है, आज मुझे कोई अकाउंटिंग इक्वेशन प्रूव नहीं करनी ट्रांजेक्शन से, मुझे टी शेप अकाउंट मेंटेन करना है, अकाउंट बनाना है, ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है, या तो डेबिट साइड में या क्रेडिट साइड में। तो रूल के अकॉर्डिंग मुझे बच्चे चलना है, बताओ फर्नीचर परचेज किया, एवरी ट्रांजेक्शन हैज टू इफेक्ट, बताओ फर्नीचर परचेज करने से क्या होगा, बिजनेस में आएगा क्या, फर्नीचर, क्या आएगा, फर्नीचर, और जाएगा क्या, कैश। तो मैं कोई कैश अकाउंट तो बनाएंगी नहीं, आएगा क्या बिजनेस में, फर्नीचर, तो बताओ बिजनेस में फर्नीचर आ रहा है मतलब इंक्रीज हो रहा है, और फर्नीचर बिजनेस की क्या होती है, असेट, असेट का बैलेंस डेबिट, इंक्रीज पर डेबिट, तो यहां पे
कुछ लिखना नहीं है, ट्रांजेक्शन भी नहीं लिखनी, आपने फर्स्ट नंबर डालना है ऐसे, सिर्फ ऐसे कि फर्स्ट ट्रांजेक्शन पे जो 20,000 है उससे फर्नीचर इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट में रिकॉर्ड कर दिया। ट्रांजेक्शन का नंबर डालना है आपने यहाँ पे, ठीक है, ये ट्रांजेक्शन का नंबर डाला और आपने यहाँ पे रिकॉर्ड कर दिया 20,000 क्योंकि फर्नीचर इंक्रीज हो रहा है। अब देखना नेक्स्ट ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है मुझे, फर्नीचर सोल्ड कह रहा है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन कह रहा है फर्नीचर सोल्ड कॉस्टिंग रुपीज 5,000। अब बताओ फर्नीचर सोल्ड एक ट्रांजेक्शन है, फर्नीचर सोल्ड करने से जाएगा क्या फर्नीचर, आएगा क्या कैश, तो मैं कैश अकाउंट तो बनाई नहीं, फर्नीचर अकाउंट में तो रिकॉर्डिंग किसकी होगी, सिर्फ फर्नीचर की होगी। अगर मैं कैश अकाउंट बना रही होती तो मैं कैश का इफेक्ट दिखाती, लेकिन एट दिस टाइम आई एम नॉट प्रिपेयरिंग द कैश अकाउंट, आई एम प्रिपेयरिंग ओनली फर्नीचर अकाउंट। तो आपको कॉन्सेंट्रेशन सिर्फ किस पे करना है, फर्नीचर पे, फर्नीचर इंक्रीज हो रहा है या फर्नीचर डिक्रीज हो रहा है। तो बताओ फर्नीचर सेल करने से बिजनेस से फर्नीचर जाएगा तो मतलब डिक्रीज होगा, ठीक है, तो डिक्रीज पे फर्नीचर क्रेडिट में आएगा। तो सेकेंड ट्रांजेक्शन का नंबर डालना है बस, सेकेंड इसका डिक्रीज, फर्नीचर डिक्रीज हो गया क्रेडिट में आ गया। तो रूल एप्लीकेबल हो रहा है फर्नीचर बिजनेस की असेट, असेट का बैलेंस डेबिट, इंक्रीज पे डेबिट, डिक्रीज पे क्रेडिट, ठीक है। आगे चलो, आगे कह रहे फर्नीचर अगेन परचेज, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आ रही है थर्ड, फर्नीचर अगेन परचेस्ड ₹8,000, दोबारा से फर्नीचर परचेज किया। तो पता फर्नीचर परचेज करने से क्या होगा, बिजनेस में फर्नीचर आएगा, जाएगा क्या कैश, कैश अकाउंट बनानी भी इसलिए दूसरा फैक्ट सोच ही नहीं रहे, ठीक है। अब देखना फर्नीचर परचेज करने से फर्नीचर इंक्रीज हो रहा है तो इंक्रीज साइड में लिख लो, थर्ड नंबर डालो, कितने से इंक्रीज हुआ 8 लिख दिया। अब फोर्थ ट्रांजेक्शन पढ़ रही हूं, ओल्ड फर्नीचर डिस्कार्डेड, डिस्कार्डेड मतलब बेकार हो गया, ओल्ड फर्नीचर डिस्कार्ड हो गया मतलब बेकार हो गया, खराब हो गया, फॉर ₹2,500। तो बताओ 25 रुपीज का फर्नीचर बेकार हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, तो बताओ फर्नीचर इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज, डिक्रीज, तो डिक्रीज का तो क्रेडिट में आता है क्योंकि असेट का, ये फर्नीचर असेट है, इस पे असेट अकाउंट का रोल एप्लीकेबल होगा, इंक्रीज पे डेबिट, डिक्रीज पे क्रेडिट, ठीक है। तो फोर्थ पॉइंट आप यहाँ पे लिखोगे कितने से डिक्रीज हो गया 25। उसके बाद बच्चे नेक्स्ट आ रहा है वैल्यू ऑफ फर्नीचर वॉज, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आ रही है फिफ्थ ट्रांजेक्शन, वैल्यू ऑफ फर्नीचर वॉज रिड्यूस्ड बाय ₹2,000, रिड्यूस दैट मीन्स डिक्रीज, क्या है, वैल्यू ऑफ फर्नीचर वॉज डिक्रीज बाय 2,000, फर्नीचर की वैल्यू कितने से कम हो गई 2, तो कम ही कह रहा है सीधा, तो डिक्रीज पे तो क्रेडिट नहीं आता है 2,000, ठीक है। अब देखो आपके पास क्वेश्चन में था ओपन टी शेप अकाउंट ऑफ फर्नीचर, फर्नीचर का एक टी शेप अकाउंट बनाओ बाय द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस, ये जो ट्रांजेक्शंस दिए होंगी इनको आपने रिकॉर्ड करना है या तो डेबिट साइड में या क्रेडिट, लेकिन अकाउंट बनाते टाइम पहले सोचो 5 जो मैंने रूल बताए हैं उसमें से आप कौन सा अकाउंट बना रहे हो, असेट्स अकाउंट बना रहे हो, कैपिटल अकाउंट बना रहे हो, लायबिलिटी अकाउंट बना रहे हो, एक्सपेंस अकाउंट बना रहे हो, कौन सा अकाउंट मेंटेन कर रहे हो, तो उसके अकॉर्डिंग ही आप सॉल्व कर पाओगे, ऐसे सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये अकाउंट मैंने आपको बनाना बताया है फर्नीचर अकाउंट, लेकिन किसी अकाउंट को जब हम बनाते हैं, ठीक है, पूरे साल हम उस अकाउंट में ट्रांजेक्शन लिखते हैं, एट द एंड ऑफ ईयर हम उन ट्रांजेक्शन उस अकाउंट को क्लोज करते हैं। तो देखना क्लोज कैसे करते हैं, यहां पे देखना, पहले तो बच्चे किसी भी अकाउंट को जब क्लोज करते हैं जो डेबिट और क्रेडिट साइड है उसके आमने सामने, और क्लोज करने के लिए नीचे ऐसे डबल करते हैं, ठीक है। पहले तो दोनों साइड का टोटल करो, बताओ डेबिट साइड का टोटल कितना है 28,
इस साइड का टोटल बताओ 5, 75, 95, इस साइड का टोटल है 95, ठीक है। तो कौन सी साइड का टोटल ज्यादा है? डेबिट। तो जो साइड का टोटल ज्यादा है पहले वहां लिखो 28, इतना ही टोटल यहां लिखो 28, जबकि यहां का टोटल तो 28 है ही, तो इस 28 में से इतना क्या कर दो, माइनस कर दो, 28 में से 9500 माइनस कर दो। तो आपको पता है ये जो 18500 बचा, ये फर्नीचर का बैलेंस बचा एट द एंड ऑफ ईयर। इसके आगे हम लिख देते हैं बैलेंस, ये बैलेंस बचा। देखो फर्नीचर इतना इंक्रीज हुआ था 20 ईयर से, 95 से डिक्रीज हो गया, तो साल के एंड में इतना बैलेंस बचा हुआ है। तो आपको मैंने बताया था रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, दैट मीन्स वी आर प्रिपेयरिंग द अकाउंट्स ऑफ एनी बिजनेस, कि हम बिजनेस के क्या मेंटेन कर रहे हैं, अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है। तो रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन दैट मीन्स वी आर प्रिपेयरिंग द अकाउंट्स ऑफ एनी बिजनेस, ठीक है। तो हो सकता है ये वाला साइड भी ज्यादा हो सकता है ये वाला साइड भी ज्यादा हो, लेकिन ध्यान रखना जैसे असेट का डेबिट बैलेंस होता है तो असेट का हमेशा ये वाला साइड ही ज्यादा रहेगा, ठीक है। अब मैं आपको एक और अकाउंट बनाना बताती हूँ, ये तो मैंने आपको बताया था असेट्स अकाउंट बनाना, अब मैं आपको एक और अकाउंट बनाना बता रही हूँ, बिल्कुल ध्यान से सुनना। टी शेप अकाउंट ही बनाने को कहेगा, या तो आपसे वो कैपिटल अकाउंट बनाएगा, या फर्नीचर अकाउंट बनवाएगा, असेट अकाउंट बनाएगा, या लायबिलिटीज अकाउंट बनाना बताएगा, या एक्सपेंस या इनकम, इनमें से ही कोई ना कोई अकाउंट बनाना बताएगा। तो देखना नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपके पास, आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, आपको मैं आज पिक्स भेजी हुई तो आपने वो पहले इसको देखना है पूरा। आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है ओपन टी शेप अकाउंट ऑफ आर क्रेडिटर्स, ओपन टी शेप अकाउंट ऑफ आर क्रेडिटर संजय, संजय एंड संजय अकाउंट बनाना है बच्चे आपको, ओपन टी शेप अकाउंट ऑफ आर क्रेडिटर, संजय एक डेटर नहीं है, संजय एक क्रेडिटर है। डेटर तो होते हैं जिन्होंने बिजनेस के पैसे देने हैं, क्रेडिटर होते हैं जिन्होंने बिजनेस से पैसे लेने हैं, लेने हैं मतलब बिजनेस से पे करना है। तो ये बिजनेस की क्या हो गई, लायबिलिटी। तो पहले तो जो अकाउंट बना रहे हो उसका नेचर डिसाइड करो, तभी तो डिसाइड कर पाओगे डेबिट में लिखे या क्रेडिट में लिखे। तो क्रेडिटर, ठीक है। तो अब आपको टी शेप अकाउंट बनाना है संजय का। एवरी अकाउंट हैज़ अ टू साइड, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, ठीक है। संजय अकाउंट, आपको मैंने कहा था अगर एक ह्यूमन बीइंग का अकाउंट बनाते हो तो अकाउंट लगाने से पहले अपोस्ट्रॉफी एस लगा के नाम लिखते हैं, संजय अकाउंट प्लस संजय आपको पता है कौन है, क्रेडिटर। क्रेडिटर मतलब लेने वाला व्यक्ति, और जिन्होंने बिजनेस से पैसे लेने हैं, बिजनेस ने मतलब पे करने हैं, तो ये बिजनेस की क्या होगी, लायबिलिटी। तो इसका जो नेचर है बच्चे लायबिलिटी है। इस अकाउंट को बनाते टाइम लायबिलिटी अकाउंट का रूल एप्लीकेबल करना है, कि लायबिलिटीज का बैलेंस कौन सा होता है, क्रेडिट, इंक्रीज पे क्रेडिट, डिक्रीज पे डेबिट, ठीक है। तो अमाउंट का कॉलम लिखो, यहां पर बनाओ दिस कॉलम फॉर पर्टिकुलर, दिस कॉलम फॉर अमाउंट, दिस इज फॉर पर्टिकुलर एंड दिस इज फॉर अमाउंट, ठीक है। अब मेरी बात को ध्यान से समझना बच्चा, आपको क्रेडिटर अकाउंट बनाना है मतलब लायबिलिटी अकाउंट बनाना है। लायबिलिटीज का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट। अगर बिजनेस में लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो क्रेडिट में लिखी जाएंगी, इंक्रीज। लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है, लायबिलिटी इंक्रीज पे यहां आएंगी, लायबिलिटी डिक्रीज पे डेबिट पे जाएंगी। इस पर दिस इज द डेबिट साइड एंड दिस इज द क्रेडिट साइड, डेबिट एंड क्रेडिट साइड, ठीक है। बुक में बच्चे यहाँ पे कुछ ऐसे उन्होंने वो लिखा हुआ है, कुछ वर्ड लिखा हुआ है डिटेल में, आपने सिर्फ नंबर डालना है ट्रांजेक्शन का, ठीक है। बुक के जैसे नहीं करना, जैसे मैं आपको बता रही हूँ वैसे करना है। अब देखना आपके पास ट्रांजेक्शन क्या दिए हैं उसके अकॉर्डिंग। आपके पास फर्स्ट ट्रांजेक्शन है परचेज गुड्स फ्रॉम
संजय परचेज गुड्स फ्रॉम संजय ऑन क्रेडिट रुपीज 40,000। अब आपके पास ट्रांजेक्शन है, क्या परचेज किया? गुड्स। एवरी ट्रांजेक्शन हैज टू इफेक्ट, तो गुड्स परचेज करने से आएगा क्या? गुड्स। क्या मैं गुड्स अकाउंट बना ली? नो, ये इफेक्ट तो गया, लेकिन गुड्स कैसे परचेज किया है? ऑन क्रेडिट। ठीक है, ऑन क्रेडिट परचेज किया तो गुड्स आने का तो इफेक्ट नहीं आएगा, मैं गुड्स अकाउंट बना ही नहीं रही, मैं सिर्फ संजय अकाउंट बना रही हूँ। संजय क्रेडिटर है, मतलब मेरी लायबिलिटी है, तो मुझे देखना है मेरी लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है ट्रांजेक्शन से या लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है। तो अब मुझे बताओ, परचेज करने से गुड्स तो आ गया, कैश नहीं गया क्योंकि ऑन क्रेडिट परचेज किया है। तो मैंने किसी बिजनेस ने किसी व्यक्ति के पैसे देने हैं, किसके पैसे देने हैं? संजय के, और संजय हमारी क्या है? लायबिलिटी। तो एट दिस टाइम लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस विल बी इंक्रीज, बिजनेस की क्या इंक्रीज हो जाएगी? लायबिलिटी। तो लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस लायबिलिटी इंक्रीज पे क्रेडिट में आती है। तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन, यहां बुक में कुछ लिखा हुआ है, बाय कुछ करके आपने कुछ नहीं लिखना, सिर्फ नंबर डाल के अमाउंट पे लिखना है 40, लायबिलिटी इंक्रीज हो गई। ठीक है, संजय हमारी लायबिलिटी है, हमने उसके पैसे देने हैं। आगे देखना, पे टू संजय, किसको पेमेंट की? संजय। अब मुझे बताओ नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आपके पास आ रही है, पेड टू संजय, पेड टू संजय रुपीज 2500, किसको पेमेंट की गई है? संजय को पेमेंट की गई है। अब बताओ संजय को अगर हम पे करेंगे तो दो इफेक्ट क्या होंगे? तो कैश जाएगा, क्या मैं कैश अकाउंट बना ली? नो। दूसरा इफेक्ट क्या आएगा? मैंने किसके पैसे देने थे? संजय। आप बताओ मैंने संजय से परचेज किया था, मेरी लायबिलिटी इंक्रीज हुई होगी? जब मैंने संजय को पे कर दिया तो मेरी लायबिलिटी क्या हो गई? डिक्रीज। ठीक है, तो लायबिलिटी डिक्रीज पे रिवर्स साइड पे चली गई, डेबिट पे। तो मैंने संजय की कितनी पेमेंट कर दी? 25। मेरी लायबिलिटी डिक्रीज हो गई, डिक्रीज पे डेबिट पे चली गई, क्योंकि लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है इंक्रीज पे क्रेडिट, डिक्रीज पे डेबिट। तो अमेरिकन सिस्टम के अकॉर्डिंग मैंने यही बताया था कि कब किस अकाउंट के डेबिट में लिखते हैं, कब किस अकाउंट के क्रेडिट में। तो अकाउंट को बनाने से पहले उसका नेचर स्पेसिफाई कर लो कि आप पांचों में से जो मैंने रूल बताया आप कौन सा अकाउंट बना रहे हो। असेट है उसका नेचर, कैपिटल है, लायबिलिटी है, एक्सपेंस है या इनकम है, कौन से नेचर वाला आप अकाउंट बना रहे हो। ठीक है, तो आपको ट्रांजेक्शन गिवन होंगी। पहले तो गिवन होता था कि अकाउंटिंग इक्वेशन बनाओ, अब कह रहा है टी शेप अकाउंट बनाओ, गिवन तो ट्रांजेक्शन ही होंगी। ठीक है, आगे देखना, उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है अगेन परचेज गुड्स फ्रॉम संजय। थर्ड ट्रांजेक्शन है अगेन परचेज गुड्स फ्रॉम संजय, संजय से बच्चे दोबारा गुड्स परचेज किया है, अगेन गुड्स परचेज फ्रॉम संजय फॉर रुपीज 16,000, संजय से दोबारा माल परचेज किया है। ठीक है, ऑन क्रेडिट ही, और वैसे अगर नहीं गिवन तो नेम गिवन है तो ऑन क्रेडिट ही मानते हैं। ठीक है, अगर स्पेसिफाई नहीं होता तो अब मुझे बताओ संजय से हमने और गुड्स परचेज किया तो मेरी लायबिलिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज, क्योंकि ऑन क्रेडिट परचेज किया है। ठीक है, तो लायबिलिटी इंक्रीज पे क्रेडिट। अब बताना गुड्स रिटर्न टू संजय, फोर्थ ट्रांजेक्शन आ रही है, फोर्थ ट्रांजेक्शन गुड्स रिटर्न टू संजय, गुड्स रिटर्न टू संजय फॉर रुपीज 2000, गुड्स रिटर्न टू संजय फॉर रुपीज 2000, किसको गुड्स वापस किया? संजय को। आप बताओ संजय को मैं परचेज किया था तो मेरी लायबिलिटी इंक्रीज हुई थी, मैंने उसके पैसे देने थे, अगर मैंने संजय को वो गुड्स वापस कर दिया तो मेरी लायबिलिटी क्या हो गई? डिक्रीज हो गई। ठीक है, क्योंकि मैंने माल ही वापस कर दिया तो लायबिलिटी कितने का गुड्स वापस किया है? 2, तो लायबिलिटी डिक्रीज पर डेबिट 2000 यहां आ जाएगा। आगे चलना, पेड टू संजय, लास्ट ट्रांजेक्शन आ रही है, फिर पेड टू संजय रुपीज 20,000, पेड टू संजय रुपीज 20,000, किसको पे किया गया है? संजय को पे किया गया है। ठीक है,
तो अब मुझे बताओ संजय को पे किया गया है, तो मैंने संजय से परचेज किया था, मेरी लायबिलिटी इंक्रीज हुई थी। अगर मैंने संजय को कैश पे किया है तो मेरी लायबिलिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज, मैंने उसके पैसे कम दे दिया, ठीक है। तो पे करने से लायबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी 20,000, बस और नहीं है। पूरा अकाउंट जब बन जाए, अकाउंट को क्लोज कैसे करते हैं ध्यान से देखना, ये जो टोटल वाला कॉलम है ये आमने सामने होना चाहिए। आप बताओ यहाँ का टोटल कितना है? 47। यहाँ का टोटल कितना है? 56। एक तो ध्यान रखना जिस अकाउंट का जो बैलेंस होता है, जैसे लायबिलिटी अकाउंट बना लो, लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है, तो इसका डी सेट ज्यादा होता है। तो रूल क्या है, पहले जो सेट ज्यादा है पहले वहां लिखो 56, उतना ही टोटल यहाँ लिखो 56, और इसमें से यहां तक का टोटल क्या कर दो, माइनस 56 में से 47 माइनस कर दो 9,000, ठीक है। तो 9,000 ये जो यहां पे बचा, ये बचा बचे बैलेंस। बैलेंस का मतलब समझते हो कि हमने संजय संजय मेरी लायबिलिटी थी, इतने पैसे मैंने अभी संजय के और देने हैं। मैंने संजय से 40 और 16 का गुड्स परचेज किया था, लायबिलिटी इंक्रीज हुई थी, उसको पे कर दिया था, रिटर्न कर दिया था, पे कर दिया था, इससे लायबिलिटी डिक्रीज होगी। इतने पैसे मैंने संजय के अभी और देने हैं, ठीक है। तो मेरी ख्याल से आपको ये चीज समझ आई होगी। बुक में बैलेंस निकालने का तरीका भी थोड़ा सा अलग दिया हुआ था, जैसे मैंने एक सिंपलीफाई उसमें आपको बताया है, आप इस तरह से सॉल्व करना आपको समझ आएगा। तो आज मैं आपको इसके सम देती हूँ, आप सॉल्व करना, फिर मैं इसका आगे का आपको सम बताती हूँ।